नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अयोध्या में रचा गया इतिहास, पूरी हुई राम भक्तों की आस। अयोध्या में करीब 492 वर्ष बाद आज इतिहास रचा गया। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद आज अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और शुभ मुहूर्त में 12:44:08 पर श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने शिला रख कर भूमि पर प्रणाम किया। इस दौरान अतिथियों ने ताली बजाकर और हर हर महादेव और जय श्री राम के उद्बोधन से अपनी खुशी व्यक्त की। पूर्व शिला के ठीक ऊपर विराजमान होंगे रामलला। श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 21 ब्राह्मणों ने संपन्न कराया। भूमि पूजन के निर्धारित मुहूर्त पर दोपहर 11:30 से 12:30 के मध्य हरि संकीर्तन का आयोजन किया गया। भूमि पूजन में लगाई गई 9 शिलाओं के बीच में जो शिला है वह कूर्म शिला है। इस शिला के ठीक ऊपर रामलला विराजमान होंगे। भूमि पूजन में 9 ईंटें रखी गई हैं। इन्हें 1989 में दुनिया भर के राम भक्तों ने भेजा था। ऐसी ईंटों की संख्या 2,75,000 है। वहीं प्रधानमंत्री ने राम मंदिर पर डाक टिकट भी जारी किया। इसकी कीमत 5 रुपए है और ऐसे 5 लाख डाक टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम मोदी बोले, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा राम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज इतिहास रचा जा रहा है। आज पूरा भारत राममय है, हर मन दीपमय है। पीएम मोदी ने कहा कि राम काज कीने बिनु मोही कहां विश्राम। सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है। वर्षों तक रामलला टेंट में रहे थे, लेकिन अब भव्य मंदिर बनेगा। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक पीढ़ियों ने प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के आंदोलन में अर्पण तर्पण संघर्ष संकल्प था। राम मंदिर आधुनिकता और हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के दर्शन आस्था आदर्श और दिव्यता में है राम। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम हर जगह है। भारत के दर्शन आस्था आदर्श दिव्यता में राम ही है। तुलसी के राम सगुण राम है, नानक तुलसी के राम निगुण राम है। भगवान बुद्ध जैन धर्म भी राम से जुड़े हैं। तमिल तेलुगु कन्नड़ कश्मीर समेत हर हिस्से में राम को समझने के अलग अलग रूप हैं। राम सभी में है। इंडोनेशिया में भी रामायण का पाठ होता है। कंबोडिया श्रीलंका चीन ईरान नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में राम का नाम लिया जाता है। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ साकार हुआ करोड़ों श्रद्धालुओं का सपना। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं का सपना साकार हो गया। राम जन्म भूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि हर हिंदू की यही इच्छा थी कि मंदिर बने। मंदिर का निर्माण एक नए भारत का निर्माण है। इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जैसे जैसे मंदिर बनेगा राम की अयोध्या भी बननी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतीयों का संकल्प पूरा हो रहा है। रामलला के दर्शन से पहले पीएम मोदी ने हनुमान गढ़ी में किया पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इसके बाद भूमि पूजन का अनुष्ठान संपन्न किया। रामलला के दर्शन से पूर्व प्रधानमंत्री ने हनुमान गढ़ी में हनुमंत लला का दर्शन किया और आरती उतारी। हनुमान गढ़ी में महंत रमेश दास ने प्रधानमंत्री को मुकुट और पगड़ी पहनाई। इसके साथ ही केसरिया राम नामी साफा भी उड़ाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं अयोध्या को आज फिर से सजाया गया। चारों ओर दीपावली जैसा माहौल नजर आया। पूरी अयोध्या राममय हो गई। धोती कुर्ता पहनकर भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से सुबह 9:35 पर रवाना हुए और तय कार्यक्रम के अनुसार 11:30 पर अयोध्या पहुंचे। यहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी धोती कुर्ता पहने नजर आए। उन्होंने सुनहरे रंग का कुर्ता और धोती पहनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए 29 साल बाद अयोध्या आए। सुशांत केस सीबीआई को ट्रांसफर।
केंद्र ने मानी बिहार सरकार की सिफारिश। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। केंद्र सरकार ने यह सिफारिश मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि सुशांत केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे, इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि मामले की जांच कौन करेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।